और यहाँ हमारे रेफरियों ने टॉस करवा चुका और टॉस विनर रही है लुंगसा। माफी चाहूंगा, बिरसा मुंडा क्लब फूट तहसील बरघाट के तत्वधान में आयोजित ये कबड्डी प्रतियोगिता हुआ। यहाँ पर एक ही आदमी रेफरियों के सारे पर ध्यान दे, बैठ जाइए। अरे दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। लेकर आए हैं सरेखा के खिलाड़ी एनएस क्लब लुंगसा की कोर्ट पर, जो कि एक बहुत बेहतरीन टीम है। पिछला मैच इन्होंने काफी लंबी लीड के साथ विनर रहे हैं, काफी अच्छे अनुभवी खिलाड़ी इनके पास हैं। और देखना सरेखा, जो कि इनके रेडर वापस हुए हैं बिना पॉइंट के और अगली रेड लेकर के, रेडर एनएस क्लब लुंगसा के सरेखा की कोर्ट पर। सरेखा में भी काफी अच्छे खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इनका। एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए एनएस क्लब लुंगसा के रेडर, और यहाँ वापस होना होगा उन्हें बिना पॉइंट के। अगले रेड लेकर यहाँ पहुंचे हैं सरेखा के रेडर एनएस क्लब लुंगसा की कोर्ट पर। देखना ये अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट लेकर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बोनस लेना चाहेंगे, लेकिन वहां खाली हाथ वापस हुए हैं। और अगला रेड लुंगसा की तरफ से, एनएस क्लब लुंगसा की तरफ से रेड लेकर सरेखा की कोर्ट पर रेडर, और देखना ये पॉइंट निकाल पाते हैं या नहीं। और यहाँ वापस हुए हैं, अभी तक के कोई भी पॉइंट दोनों ही टीमें नहीं ले पाई है। और अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से रेडर, और ये पहला पॉइंट निकालने में सफल हुए लुंगसा के खिलाड़ी, और यहाँ रेडर आउट। और अगली रेड लेकर लुंगसा की तरफ से रेडर सरेखा की कोर्ट पर। ये शानदार दिलचस्प मुकाबला फाइनल चलता हुआ यहाँ, और यहाँ रेडर सफल हुए रेड मारने में, अपना एक पॉइंट अर्जित किया है। कैचर आउट। और अगली रेड लेकर आठ नंबर की जर्सी में सरेखा के खिलाड़ी, काफी अच्छी लंबी कद काठी के खिलाड़ी हैं। कितने पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर जाते हैं ये देखना है। यहाँ पर उनके पास मौका है बोनस लेने का, बोनस लेते हैं या नहीं। और यहाँ वापस हुए रेडर बिना पॉइंट के, अगली रेड लेकर एनएस क्लब लुंगसा की तरफ से रेडर सरेखा की कोर्ट पर। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है लुंगसा का, पिछले मैच में काफी पॉइंट से लीड किया था उन्होंने। और यहाँ कैच करने का भरसक प्रयास, और नाकाम हुए, सफल रेड रही इनकी, दो पॉइंट्स लेकर गए रेडर लुंगसा के। और अगली रेड फिर एक बार आठ नंबर की जर्सी में सरेखा खिलाड़ी, और कैच करने का सफल प्रयास, और यहाँ रेडर आउट। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा लुंगसा के खिलाड़ियों का, पहले से ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा इनका। और अगली रेड लेकर लुंगसा खिलाड़ी, और इसी के साथ तीन रेड कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ सरेखा के पास दो खिलाड़ी शेष रहे हैं, देखना है रेडर ये दोनों को लेकर जाते हैं या फिर खुद चले जाते हैं। और एक पॉइंट लेकर वापसी की एनएस क्लब लुंगसा के खिलाड़ी ने। और अगली रेड लेकर सिंगल खिलाड़ी बचे हैं सरेखा की कोर्ट में, और ये भी जा चुके, पूरी टीम यहाँ इनकी धराशायी हुई है सरेखा की। और बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए एनएस क्लब लुंगसा, और यहाँ इस मैच में वापसी के लिए सरेखा को कहीं ना कहीं एक अच्छा और उम्दा प्रदर्शन करना होगा तमाम खिलाड़ियों को, तभी इस मैच में ये वापसी कर पाएंगे। और यहाँ बिना पॉइंट के वापस हुए हैं एनएस क्लब लुंगसा के खिलाड़ी, और ये अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से, और कैच कर लिए गए रेडर, जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही कैच। और अगली रेड लुंगसा की तरफ से, बिल्कुल मौका नहीं देते हैं यहाँ लुंगसा के खिलाड़ी, उतने ही फुर्तीले हैं। और ये एक बार सफल होने में
अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार, अच्छा तालमेल दिखा सरेखा के खिलाड़ियों में, ऐसा ही प्रदर्शन उन्हें करना होगा। रेडर आउट हुए हैं, अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से। सरेखा को यहाँ मैच में वापसी करना है तो एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, रेडर को एक सुपर रेड दिखानी होगी तो ही वे मैच में पकड़ बना सकते हैं और वापसी कर सकते हैं। वरना जिस तरीके की लीड एनएस क्लब लुंगसा दे रही है इस मैच में, जितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका काबिले तारीफ है। और यहाँ सरेखा के खिलाड़ी वापस हुए बिना पॉइंट के और 5 मिनट समाप्त। और अगली रेड में है सरेखा की कोर्ट पर एनएस क्लब लुंगसा के रेडर। और यहाँ खाली हाथ वापस अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन और जबरदस्त कैच किया है यहाँ एनएस क्लब सरेखा के कैचर ने। ओ माफी चाहूंगा, एनएस क्लब लुंगसा के कैचर ने। और अगली रेड लेके एनएस क्लब लुंगसा की तरफ से रेडर, काफी फुर्तीले रेडर है ये, बहुत जबरदस्त लीड कर रही है यहाँ पे एनएस क्लब लुंगसा। कहीं ना कहीं इस मैच में पकड़ उनकी मजबूत होती हुई, और यदि सरेखा को मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उम्दा प्रदर्शन करना होगा। और यहाँ वापस में एनएस क्लब लुंगसा के खिलाड़ी बिना पॉइंट के अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से रेडर लुंगसा की कोर्ट पर। और यहाँ 6 मिनट समाप्त हो चुके हैं और ये एक प्रयास रहा कैचर का और कैचर आउट। अगली रेड लेकर एनएस क्लब लुंगसा की तरफ से रेडर मैच में वापसी के लिए सरेखा को एक जबरदस्त प्रदर्शन की आवश्यकता है। देख रहे हैं उनके लिए ये करिश्माई खेल, कौन सा प्लेयर खेल पाता है, या तो रेडर कुछ अच्छा कर जाए या कैचर, तो ही ये संभव है। और यहाँ खाली हाथ वापस होना पड़ेगा एनएस क्लब लुंगसा के रेडर को। और अगली रेड लेकर लुंगसा के खेमे में सरेखा के 8 नंबर की जर्सी पे रेडर, काफी फुर्तीले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, पॉइंट निकालने में असफल रहे अब तक लेकिन। और यहाँ कैच कर लिए गए ये रेडर आउट। 7 मिनट समाप्त हो चुके हैं, रेफरी ध्यान दिलाना चाहूंगा 3 मिनट से। रेडर एक बार फिर एनएस क्लब लुंगसा के रेडर पकड़ ले सरेखा के खेमे में, पकड़ ले भाई। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है दूसरे नंबर मैच में यहाँ लुंगसा का। रेडर आउट, नो क्रॉस। और यहाँ रेफरी और अगली रेड लेकर सरेखा के रेडर, इधर पैर मत दे रे। एनएस क्लब लुंगसा की कोर्ट पर सरेखा के खिलाड़ी, देखना है अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट्स लेकर जाते हैं। और जबरदस्त प्रदर्शन लुंगसा का। और यहाँ ये अंतिम मिनट से रेफरीज को मैं बताना चाहूंगा, और लुंगसा के खिलाड़ी किक मारने का प्रयास किया था इन्होंने, और ये क्रॉस करने की कोशिश, और यहाँ रेडर आउट। रेडर आउट 8 नंबर की जर्सी में रेडर। और ये कैच करने में असफल हुए, सुपर रेड है ये, 3 पॉइंट्स लिया है इन्होंने। अगली रेड लेकर निश्चित ही अंतिम रेड है, अंतिम रेड लुंगसा की तरफ से। और इस एग्जैक्ट टाइम आउट, हाफ टाइम समाप्त हुआ।
मैच स्टार्ट। और यहाँ एक जबरदस्त खिलाड़ी लुंगसा की तरफ से राइड लेकर पहुंचे हैं सरेखा की कोर्ट पे। और सरेखा को यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना है तो मैच में वापसी करनी है इस फाइनल मुकाबले में, तो जबरदस्त उमदा प्रदर्शन करना होगा। और यहाँ फर्स्ट राइड लेकर गए थे लुंगसा खिलाड़ी, वापिस हुए बिना किसी पॉइंट के। और अगली राइड लेकर सरेखा की तरफ से उनकी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी पर। और एक बिना पॉइंट के यहां वापस हुए सरेखा के खिलाड़ी। और फिर एक बार एनएस क्लब लुंगसा की तरफ से रेडर। देखना है कितने पॉइंट लेकर जाते हैं ये अपनी टीम के लिए। एक से एक खिलाड़ी भरे हुए हैं लुंगसा की तरफ, काफी अच्छे प्लेयर्स, काफी पॉइंट्स के लीड से ये आगे चल रहे हैं। और यहाँ क्रॉस कर चुके खिलाड़ी और रेडर ने वापस किया। और अगली रेड लेकर लुंगसा सरेखा की तरफ से लुंगसा की कोर्ट में रेडर इन हो चुके हैं। देखना ये टीम के लिए कितने पॉइंट लेकर जाते हैं या अपना पॉइंट गंवाते हैं। और अगली रेड फिर एक बार लुंगसा की तरफ से। और यहाँ लुंगसा को मैच में पकड़ बनाने के लिए एक उम्दा प्रदर्शन की आवश्यकता है यदि वे अपनी टीम को विजेता बनाना चाहते हैं इस मैच में, तो उन्हें एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। देखना है क्या कर गुजरते हैं ये सरेखा के खिलाड़ी। आउट तो करो, उसको बाहर तो निकालो। खिलाड़ी यहाँ रेफरियों को बता दूं मैं, 3 मिनट हो चुके हैं। तीन मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों रेफरी ध्यान दें। और ये सरेखा के रेडर लुंगसा की कोर्ट पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अगली रेड लेकर फिर एक बार लुंगसा की तरफ से। अरे पटक दे, पकड़ो और पकड़ो, देखो उधर जा, दोनों टांग के बीच में रे, ये ले। और जबरदस्त रेड, सिंगल कैचर आउट। अबे इसकी कमर को पकड़ना। और अगली रेड एक बार फिर सरेखा। 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर लुंगसा की तरफ से रेडर। गाली वाली के इसका खेल करते सरेखा की कोर्ट पर। ऐसा बोल रहे हैं अपन, खेल नहीं सकते क्या? वो खुद अपने इससे खेलते हैं। 5 मिनट समाप्त।
फेंक दे भाई, उठा दे टोकरी में। और कहीं ना कहीं अपनी पकड़ खोते हुए सरेखा एनएस क्लब लुंगसा काफी अच्छे पॉइंट से लीड कर रही है। ये रेडर पॉइंट लेने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और ये एक जबरदस्त रेड सिंगल कैचर आउट हुए हैं। अच्छा प्रदर्शन रेडर का। अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से रेडर एनएस क्लब लुंगसा की कोर्ट पर, और देखना ये अपनी टीम के लिए एक सुपर रेड मार पाते हैं या नहीं। और यहाँ खाली हाथ वापस हुए हैं। और यहाँ रेडर फिलिप हुए और आउट, हाथ मिलाने की कोशिश में अपना ही हाथ दे बैठे। और अगली रेड लेकर सरेखा की तरफ से खिलाड़ी फिर वापस हुए खाली हाथ। फिर एक बार एमएस क्लब लुंगसा की तरफ से तीन नंबर की जर्सी में रेडर, देखना इस बार कितने पॉइंट लेकर जाते हैं। काफी अच्छे हेल्थ, अरे 50 का मिलता है और बेहतरीन कबड्डी आपको यहाँ देखने मिल रही है। चार खिलाड़ी आए यहाँ पर सरेखा के सुपर रेड। जैसा कि लुंगसा में खिलाड़ियों की भरमार है मैं आपको बता रहा था, वैसा ही प्रदर्शन इनका। और यहाँ 7 मिनट समाप्त हो चुके हैं। और अगली रेड में सरेखा की तरफ से सफल रेड रही, सिंगल पॉइंट लेकर रेडर वापस हुए। और अब नामुमकिन सा लग रहा है उनके लिए मैच में वापसी करना। एक बार फिर रेडर और यहाँ फिर नाकाम हुए कैचर सरेखा के। एक पॉइंट लेकर वापस हुए एनएस क्लब लुंगसा के रेडर। अगली रेड लेकर 2 नंबर की जर्सी पर, चूंकि खिलाड़ी 2 ही बचे हैं इसलिए इनका मौका मिला इनको। रेडर देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, इनके लिए डू और डाइव की ये रेड है। और यहां पर रेफरी का सारा रेडर आउट, और इसी के साथ मैच समाप्त। अबे वीडियो 20 मिनट भी नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट से विजेता सरेखा ने